नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में जागाडी टोल के निकट आज बड़ी पंचायत हुई भारतीय किसान यूनियन की। भारतीय किसान यूनियन के कई बड़े नेताओं के खिलाफ और नेताओं सहित करीब 250 लोगों के खिलाफ प्रशासन की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है, उसी बारे में क्या फैसला हुआ और क्या पूरा प्रकरण है अध्यक्ष जी? देखो, यहाँ का जिला मुजफ्फरनगर का जो प्रशासन है, किसान अगर अपना काम भी खेत में कर रहा है, नाले खुदाई कर रहा, पानी निकाल रहा, तो किसी का अवैध खनन कहाँ से हो गया? लेकिन प्रशासन किसानों को और भारतीय किसान यूनियन को यहाँ अवैध खनन के नाम पर दबाना चाहती है। जबकि जिला मुजफ्फरनगर में पूरी रात आप जानकारी करा लो, हम मांग करते हैं बाहर से, पूरी रात 12 बजे से और 3 बजे तक के बीच में बड़ा खेल होता है ओवरलोडिंग वाहनों का, अवैध खनन का। और जो यहाँ के टॉप 10 के अपराधी हैं, जो जिला बदल चुके हैं, उनके साथ यहाँ का प्रशासन मिलकर पूरा गणित खेल खेल कर खनन करा रहा, ओवरलोड वाहन चलवा रहे। तितावी थाने का मामला था, किसान अपने खेत में काम करा रहा था, किसी ने गलत दर्ज करी, पुलिस जागो, जेसीबी गुली आई, किसान पूछा ना भाई बताओ हमारी क्या गलती है, कोई हमारी नहीं, हमारे पे तो ऊपर से फोन आया। जब किसान यहाँ के आए थे, सम्मानित क्षेत्र के आदमी आए थे, उन्हें थाने में क्यों नहीं बात करी उनसे? थाना तितावी ने सुना, उसकी तानाशाही अपने डंडे के दम पर और अपने हठ धर्मिता कारण यहाँ के किसानों को और भारतीय किसानों को टारगेट करके कर में थाने में घुसने देने का। ये थाना हमारा है, ये क्षेत्र हमारा है, इसमें हम जब चाहेंगे जब आएंगे, जब अपनी बात कहेंगे। हमने बता दिया, मुकदमे लिखवाने का काम यहाँ के टोल के मानक पूरे नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन हमारे सहयोग करके टोल चलवाता हो और हमारी बात को वो नकारता हो, ऐसे जिले में होने नहीं देंगे। हमने 23 तारीख से घोषणा कर दिया कि यहाँ अनिश्चितकालीन थाने जीतावी में धरना चलेगा, ये टोल फ्री रहेगा जब तक इसके मानक पूरे नहीं होंगे। कान खोल के यहाँ का प्रशासन सुन ले, भारतीय किसान यूनियन इन मुकदमों से और तुम्हारी तानाशाही में दबके नहीं, चाहे अंजाम कुछ भी हो जाए, अगर हम शांति के पुजारी हैं तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति के पुजारी है ना। जेल से डरते हैं हम, ना मरने से डरते, ना गोल्डी से डरते। बाकी के युवा नेता है विकास शर्मा जी, मतदान खत्म आंदोलन चालू, मजबूरी भाई जी, ना वोट लेनी थी, मैं वोट लेकर चले गए, मैं अपना हिल्ला पलक लिए एसीओ के चक्कर में, हम अपना सड़क पर झुके तो भाई मारी कौन सुनागा, हमें तो आपको रोना पड़ेगा, अपनी बात आपको ही कहनी पड़ेगी, जब जाएगा काम चलेगा। यहाँ का प्रशासन का व्यवहार ठीक नहीं है, यहाँ के बड़े अधिकारी जो है जिले के, जब उन्हें अपना काम हो तो वे फोन करेंगे दिन में, वो 10-10 बार रात तो नहीं फोन धरण देने के, रात तो बजाओगे भाई नू करवा दो, भाई मना करवा दो, आंदोलन करो, और जब कहीं कोई काम होगा हम फोन करेंगे, फिर ये फोन उठाना पसंद नहीं करते, फिर तेल लगा के ये सो जा आराम से, फिर ना कोई मतलब, कोई जनता मरो कोई ना करो। इसी थाना तितावी के अस्सो ने यो यहाँ एक दरोगा है, दरोगा को बना रखा है अस्सो, ये भाई तम बंदर को बस शेर की जगह बैठाओगे तो मामला तो खराब हो गई। इनने 20,000 रुपये लेकर था ट्रैक्टर की लूट करवाई, अपने थाने में खड़ा करके सीज कर लिया, यो तो नंबर वन भ्रष्टाचारी है, इस तरह भ्रष्ट तो कोई भी नहीं, इसकी हिम्मत जो हमें थाने में तो काट देगा। 23 तारीख में डंगर बंद है इसके थाने में, और इस पर रुकता हो तो रोक लियो, एर पैर की हेब के जितने इनकी धारा हो, जितनी इनकी कलम में ताकत हो, इतने लिखे हैं, निचला ये कर सके इतना कर ले, लेकिन किसानों का शोषण होने नहीं देने के। अकबरगढ़ में 25-25 फुट गहरी मिट्टी उठा दी, वहां दी वहां नहीं हो रहा खनन, वहां खनन नहीं, वहां प्रेस की बन रही, सारी सड़कें तोड़ दी गांव की, वहां खनन नहीं है, सारा माल लपेट लिया, 4-4 लाख रुपए रात को लेवे धरे और काम चलवा रहे, जैसे भी चलवा रहे। हम किसी चीज को कहते, कोई किसान खेत एक साल कर रहा हो चकबंदी के समय या कुछ और कर रहा हो, वो ही खनन होगा, उस पर धारा इतनी लाद देगा कि सारा सारी उम्र नीचे लखावत जैसी भी ढबकू, तो भाई का हर पैर की लड़ाई होगी, जो इन्हें करना है कर लिए, अपनी लट्ठी हो गए तेल लगा लो, अपना तैयार हो का हो, जब तक हमारे में दम होगा हम लट्ठी खाओगे, इनकी लट्ठी में जब तक दम हो लट्ठी बजावे गोली चलावे, भाई मरने को तैयार बैठे, यो आंदोलन मांग रहा है जो क्रांति, और क्रांति होगी बलिदान दे के, और बलिदान में पीछे नहीं, हमारे द्वारा बलिदान वाले खड़े के हम दुआ देंगे, आर पार की होगी, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान यूनियन। बलिदान के नाम का हाथ आपको लगा दिया उन्होंने सर, कोई बात नहीं, संगठन में है सब लोग, एक दूसरे के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हैं। और एक बड़ी अजीब सी बात है, अभी जो धरना प्रदर्शन जब चल रहा था तो यहाँ प्रशासन के बड़े अधिकारी मौजूद थे, किसान यूनियन के पदाधिकारी मौजूद थे, आपस में बैठ के जब किसी बात पे बात सहमति बन गई,
उसके बावजूद भी मुकदमा लिखना अच्छी बात नहीं है। रही टोल की बात, जिस टोल वाले ने मुकदमा लिखवाया था टोल ही सारा अवैध है, अभी तो सड़क ही कंप्लीट नहीं, और उसके बावजूद भी प्रशासन ने यहाँ पे अवैध उगाई शुरू करवा दी, ये भी तो गलत है। जो टोल चल रहा तो गलत तो खुद कर रहे हैं और दूसरों पे उल्टे सीधे मुकदमे लगा रहे हैं, गलत बात है, कहाँ तक बर्दाश्त करेगा किसान? अब काम से फ्री हो गया, 23 तारीख को आंदोलन ही सही। तो इस बार है आर पार के मूड में? आर पार कहाँ करे प्रशासन, जहाँ थोड़ी देर में जाके बैठेंगे आके कह देंगे जी नहीं गलती हो गई, ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, आर पार का क्या है इसमें, गलती इनकी है। किसान तो अंदर दे रहे धरना थाने में, एसओ आके कह रहा कि नहीं बाहर बैठ लो, बाहर बैठ लो, खुद ही बाहर बिठा रहा और खुद ही फिर मुकदमे लिख रहा, खुद ही अवैध टोल चलवा रहे, खुद ही रात को खनन करवा रहे। चलो हमारे यहाँ देख लो, हम दे देंगे कैमरों में तुम्हें पुरकाई थाने के अंदर, हमारे यहाँ हर सड़क पर कैमरे लगे हुए, सारी रात जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली से खनन होगा, लेकिन लेगा कौन? जब सारे के सारे महीने ले रहे तो किसे किसके सामने जाकर आंड रोना रोएंगे? सब सिस्टम खत्म है, कोई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। तो जब आपको पीड़ा हो, आप पे मुकदमा दर्ज होगा, तो आप भी मुद्दे उठा रहे, नहीं तो आप लोग भी शांत रह जाओ? हम तो रोज उठा रहे मुद्दे, हमारी तो पुलिया टूट गई थी खाईखेड़ी रोड की, तो हमने सबके सारे ग्रुपों में डाल लगी, अभी वो चल रहा रोजाना खनन हो रहा, सड़क पुलिया तक टूट गई खाईखेड़ी की, लेकिन उसके बाद में कुछ भी नहीं, अधिकारी आए एसडीएम साहब जाके पाइप से डलवा दी, सड़क 7 दिन में बन जाए, कुछ भी नहीं हुआ, पुलिया ही नहीं बनी आज तक, फिर खनन शुरू है, रोज का काम है, तो पूरे जिले में कोई अनोखा काम है क्या? कुछ नहीं। अरे ये मुकदमे लिखने का चलन तो ऐसा है कि लिख दिया जिस पे लिखा गया वो बेचारा सारी जिंदगी भुगतेगा, तो गलत है, इस तरह होना नहीं चाहिए। और जब वार्ता होगी तो उसके बाद में मुकदमा लिखना सही नहीं है। समझौते के बाद भी मुकदमा, मंडल अध्यक्ष जी क्या फैसला लिया फिर? तानाशाही है प्रदर्शन की, फैसला तो बाकी आप ने देख लिया, कितना गुस्सा पदाधिकारी हूँ और कार्यकर्ता हूँ, उसका अंजाम तीतावी थाने को 23 तारीख में घोषणा हो गई, अपने पशु अपने भूसा अपने गोस्से सब लेकर आना, सबको तीतावी थाने में भरेंगे 23 तारीख में। गलती है इनकी, तीतावी इंस्पेक्टर जब सब बात होगा, सब मामला निमट गया, एसडीएम सदर मौके पर पहुँचे और सब मामला होकर निमट कर सब वहाँ से गए, धरना खत्म होगा, तो फिर उसके बाद मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, जबकि वहाँ कोई जाम हमारे कार्यकर्ताओं ने नहीं लगा, जाम जो लगा दूसरी साइड ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से जाम लगा, एक साइड हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी वहाँ बैठे थे, तो ये सिर्फ तानाशाही है, प्रशासन को दबाना चाहते हैं, जैसा यहाँ जिले में दूसरे संगठन है कुछ उन्हें दबाना दबाते हैं, ऐसे ही भारतीय किसान यूनियन की सोच रहे हैं, लेकिन वह इनकी भूल है, ये भारतीय किसान यूनियन का संगठन तो 37 साल तो चलता आ रहा है, ये तो गलत को गलत करने की ताकत रखते हैं हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी। भाव तो नहीं है हम प्रशासन की तरफ से, दूसरी भी भारतीय किसान यूनियन ही है, नाम पीछे को जोर लग जाए मुकदमा तो उन पर भी, वही तो दबाना चाहते हैं भाई, दूसरे से हमारे संगठन की तुलना कर रहे, ये तो 37 साल तो संगठन चल रहा, पता नहीं कितने लोग इसमें शहीद हुए, तो जो लोग शहीदों से कुर्बान हो गए, संगठन बना हो, बाबा टिकेत का आशीर्वाद इस संगठन पर रहता हो, आम किसान इस संगठन से जुड़ा हुआ हो, तो ये इनकी भूल है। आप पुरकाई देखो, आ गए पुलिस की जीप, पुरकाई थाने की पुलिस की एसओ की जीप वहाँ खड़ी रहती हाईवे पर, सिर्फ इस वजह से कि जो ओवरलोड के ट्रक जा रहे और जो एसपी को पैसा नहीं दे रहे कप्तान को, उन्हें पकड़ने के लिए खड़ी होती है वह जीप, बताओ वो पुलिस की जीप बदमाशों को पकड़ने के लिए है या वहाँ ओवरलोड के ट्रक जो पैसा नहीं दे रहा है ना उसको पकड़ने के लिए है? यो काम इन्होंने कर क्या, खुली गुंडागर्दी तो ये कर रहे और क्या रहे किसानों को, तो इनकी इस गुंडागर्दी से ही निपटेंगे 23 तारीख में, होगी घोषणा 23 तारीख की आर पार की अब लड़ाई। एसओ की गाड़ी इसीलिए खड़ी होगा चेयरमैन साहब बता रहे बॉर्डर पे, प्रधान जी बता रहे, अरे ये एसओ की इतनी बड़ी बात है कि टोल जो चल रहा है ये अवैध नहीं है टोल, इसे बताओ अवैध है क्या? जब सड़क कंप्लीट नहीं है फिर कैसे टोल लग रहा है? हाँ, अरे सारी सारी रात जाम रहेगा वहाँ, देख लो छपार में बड़ला तक जाम लग जा, वो अवैध नहीं है, जबकि टोल की रूलिंग है कि 3 मिनट बाद सबको फ्री करना पड़ेगा, लेकिन सब ऊपर से नीचे तक कहीं शिकायत कर लो कुछ नहीं है, लोग बेहाल हैं, परेशान हैं, कुछ नहीं, तानाशाही है। बागियों के जिन नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ उनमें प्रदेश महासचिव धीरज लाठियान भी शामिल है, तो धीरज भाई एक और मुकदमा दर्ज होगा? मुकदमे तो लगभग यहाँ 35-36 के आसपास हो लिए, मुकदमे दर्ज करना एक प्रशासन की कमजोरी झलक है इसमें, शासन की क्या करेंगे बेचारे हो रही हैं, समाधान करने के उन पर कोई रास्ता नहीं, सरकार किसान विरोधी है, सरकार के इशारे पर प्रशासन काम करे, प्रशासन का मतलब हो प्रशासन, जैसा शासन कहेगा ऐसे प्रशासन को करना पड़े, गोली चलाना, आंसू गैस छोड़ना, लट्ठी चार्ज करना या मुकदमे लगाना एक सबसे बड़ी कमजोरी हो शासन प्रशासन की, और क्या करेंगे मजबूर हैं ये, किसान समस्या है, देखो मेरी बात सुनो, यह गलत फहमी है ना कि 36 साल तक चलता आ रहा, मुकदमे लगा के भारतीय किसान यूनियन किसानों की आवाज़ उठानी बंद कर देगी, आप लोग जितनी लूट खसोट होगी तो नहीं कर लियो,
आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओगे। और इसमें तो हुई है सारा, यहाँ तो केवल भारतीय किसान यूनियन बची हुई है, सारा विपक्ष शांत कर रहा, क्या किसी को जेल में घेर दिया, किसी को मुकदमे लगा दिए, घर में घुसा दिए, किसी गाड़ी सीज कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया विपक्ष भारतीय किसान यूनियन है। इसे और लपेट लो और इस देश में कुकरी करियो, संविधान बदलियो, किसानों को बर्बाद करियो, जनता को बर्बाद करियो, पर ऐसा होगा नहीं। किसान यूनियन का हमेशा इतिहास रहा, जितना ऐसा दबाने की कोशिश करी गई है उतना ही उभरा, पर को हमेशा टकराव था किसानों ने खड़ी हुई, और ऐसा ही होगा, हमें बहुत दिनों से दिखाई दे रहा था। हमने ऐसा तितावी हो या कोई ऐसा दूसरा हो या प्रशासन के प्रशासनिक बड़े अधिकारी हो, हमने समय समय पर अवगत करवाया, आप लोग गलत कर रहे, आप लोग किसानों का की खिलाफत कर रहे, आप लोग किसानों से बैर मोल ले रहे, आप लोग किसानों का शोषण कर रहे, आप मान जाओ। ये परिणाम हुआ, अब 23 तारीख है, 23 तारीख को आप लोग रहोगे वहाँ, हम भी सब रहेंगे वहाँ से। ये जो घोषणा हुई अनिश्चितकालीन की, वैसे नहीं होगी कि हम प्रशासन को डरा रहे, नहीं, हम मूड में है जी, हम मूड में है, मुकदमों को लेकर मूड में नहीं है। ये मुकदमा एक बहाना है किसानों की समस्याओं का समाधान हो जाए, हम इस मूड में है जी वालियान जी, ये है मामला। कौन कौन सी समस्याओं का समाधान आप चाह रहे हैं? समस्या सबसे पहले है चकबंदी, चकबंदी के अधिकारी 10 दिन तक फरद बनाकर नहीं देते किसान को, मुझे फनगर बुलाया बुलाया कर वहाँ से अवैध वसूली वे कर रहे, चकबंदी में दोनों पक्षों से पैसे लेकर काम कर रहे, ये चली रहा आप लोगों का, ये खनन बता रहे से किसान अगर अपनी समतल कर रहा भूमि को या निकासी का नाला बना रहा उसे अवैध खनन बता रहे, ये मुद्दे हैं। बिजली के गलत तरीके के मुकदमे किसानों पर बहुत ज़्यादा हैं, ये भी मुद्दे हैं। हमारे ट्रैक्टर को फ्री करो, 10 साल से पुराने ट्रैक्टर का बीमा नहीं होता, अगर कहीं उसका एक्सीडेंट हो जा तो फिर बंदी रहे, छूटता ही नहीं थाने माता है, ये भी मुद्दे हैं हमारे। इस जगह ये जो पीना है इसके बाईपास की जो फैसले हो लिया कई बार प्रशासन के हाथ में, ये भी हमारा मुद्दा है। यहाँ फैसला आता बड़ी महापंचायत में, जगह टोल पर महापंचायत हुई राकेश टिकाजी के नेतृत्व में जो फैसले हुए थे, जो समाधान हुए थे, जो बातें मान्य थी प्रशासन ने, और यहाँ से धरना पंचायत खत्म करी थी, उसमें कुछ भी काम नहीं चला। हमारे ये भी मुद्दे हैं, हम इन मुकदमों के माध्यम से किसान का भला चाह रहे, स्पष्ट बात ये है, मुकदमों का कुछ नहीं है, मुकदमे हमारे पास बहुत हैं, हर एक कार्यकर्ता पर मुकदमे हैं, हम इस मुकदमों के बहाने से किसानों की समस्याओं का समाधान चाह रहे बालियान जी, हमारा बेटर यो है इसलिए तो सही। चलो आखिर में आपसे भी बात करें सतेंद्र भाई, मुकदमा तो आप पर भी सज गया, वाकई जो 23 तारीख के लिए आप लोगों ने ऐलान किया है उस संख्या में लोग दिखाई देंगे या ये चेतावनी भर रह जाएगी? उससे भी ज़्यादा दिखाई देंगे बालियान जी, क्योंकि किसान और मजदूर इस पुलिस प्रशासन से बहुत डरता है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों पर डराते हैं किसानों को, मजदूरों को डराते हैं, एक मोटी रकम वसूलते हैं इससे। जितने भी क्षेत्र का किसान है आपको 23 तारीख में पता लग जाएगा, मजदूर भी आवेगा, किसान भी आवेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर किसान खेत में बाइक से भी जा रहा है तो वहाँ पे चौकी वाले भी उन्हें रोक कर रास्ते में मैन बाजार में रोक कर 1000 रुपये 500 रुपये उनसे उतारते हैं, अगर नहीं वो किसान मना कर दे तो कहते गाड़ी तेरी सीज कर देंगे, मुकदमा लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो बेचारा डर के क्या करेगा दे देगा, क्योंकि क्षेत्रीय जो गाँव है छोटे छोटे कस्बे हैं तो वहाँ पर इन्होंने बैठा रखे लूट वाले सिपाही, और वहाँ पे भी उनकी लूट खसोटी हो चला है, छोटे बच्चे हैं, सोच लें कि कस्बा है पास में नज़दीक में, भाग कर कुछ सामान लिया हुआ है अपने बच्चों को देते हैं तो उनको उनकी बाइक भी रोक ली जा, किसानों के खेत में दातों उन्हें रोक लिया जा। एक किसान का फोन आया था, वो अपने खेत से गन्ना छोल का चला था, उनने 2 गोले उस पर अपने बाइक पर रख रखे थे, तो जसोई चौकी के सिपाही ने उस पैसे उसे डरा के घर से उसके 1500 रुपये मंगवाए और जब उसकी बाइक छोड़ दी। और मेरा मानना है इस थाना तितावी में अब तक जितने भी SO आए हैं उसका सबसे भ्रष्ट SO ये है जी, इसने खुले हाथों से लूट मचा रखी, मामला किसी का हो ठेका किसी को लिया होगा, जिसे ठेका लावेगा उसे भी डरावेगा, उस पर 20-30 हज़ार मोटी रकम वसूल करके उसे छोड़ देगा, और बहुत ही मामला गंभीर है जिसका। और उस रही बात उस दिन जिस दिन उन्होंने मुकदमे करे, मुकदमे कोई बड़ी बात नहीं है, मुकदमा इससे पहले भी हो रखा जी, उससे पहले क्या हुआ था मैन बाजार में छोटे छोटे बच्चे थे उनके उनकी बाइक रोक रखी थी, स्कूल से लड़की आ रही थी उनके सामने ऐसे हाथ छोड़े करके खड़ा हो जाता वो ऐसा ही क्या, उनसे लड़कियों से पूछा था तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं, कोई छेड़ता तो नहीं, फलाना नहीं, तो इस चीज़ की कुछ लोगों ने हमें भी कहा क्योंकि हम भी किसान यूनियन में ही कार्य कर रहे हैं, उस बारे में हमने ऐसा ही था पूछा भाई तुम ऐसे कर रहे, तो उसने शब्द कब करते हुए और उसने भी एक मुकदमा हम पर लिख दिया था जितने भी हम कार्य करते थे, तो ऐसा कुछ नहीं वालियान जी, जो भी होगा 23 तारीख को एक निर्णय होगा, 23 तारीख में SO का इलाज होगा, इस SO को मेरे ख्याल से सब पता लग जाएगा कि थाना तितावी क्या है,
इस थाना जिला की जो पब्लिक है, जो किसान भाई हैं, वे क्या हैं, कितना अपने गुर्दा रखते हैं। थाने को पूर्ण रूप से 1000 का वादा कर रहे हैं, लेकिन 2000 से भी ज़्यादा ट्रैक्टर ट्रोली इसमें थाने में खड़ी होंगी। तो बड़ा ऐलान यहाँ जागेड़ी टोल के पास में जो पंचायत थी उससे हो गया है। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ उसे लेकर आक्रोश है, और कहा जा रहा है कि तितावी थाने पर 23 तारीख को बड़ा आंदोलन होगा। 2000 से भी ज़्यादा ट्रैक्टरों के साथ किसान तितावी थाने पर पहुँचेंगे।